हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो करवाने वाला हूँ। इजी समरी होगी, विद इन 15 मिनट्स आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको राइटिंग सेक्शन भी कवर करवाएंगे, अनसीन पैसेज के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे, और कंप्लीट पैकेज बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ इस वीडियो के द्वारा मिलने वाला है। तो आपको बस वीडियोस को फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टा पे आप मुझे जरूर फॉलो कर लें, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जिसका यूजर नेम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, यहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं आज के इस चैप्टर का। लॉस्ट स्प्रिंग हमें उन गरीब बच्चों के बारे में एक कहानी बताता है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो अलग अलग स्टोरीज हैं। आज हम पहली स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका मेन कैरेक्टर है साहिबे आलम। जो दूसरा पार्ट लाऊंगा मैं इस चैप्टर का, उसका जो मेन कैरेक्टर होगा उसका नाम होगा मुकेश। इन दोनों के साथ एक सिमिलर प्रॉब्लम है कि ये दोनों गरीब हैं, दोनों अनपढ़ हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं साहिब के बारे में। साहिब एक रैग पिकर है, मींस कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है। और जो ऑथर अनीस जंग है वो हर सुबह साहिब से मिला करती थी। जब भी वो सुबह निकलती थी अपने घर से तो थोड़ा ही दूर जाकर उनको साहिब दिखता था। और वो हमेशा देखती थी कि वो कुछ ना कुछ कूड़े में ढूंढता रहता था, कूड़े के ढेर में। और ऐसा लगता था मानो कोई सोना ढूंढ रहा है, वो इतने ज्यादा शिद्दत से ढूंढता था। और जब उससे पूछा गया, जब ऑथर ने पूछा कि भाई तुम कूड़ा क्यों बीनते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, सो उसको वो बताता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। साहिबे आलम ने सीधा आंसर दिया ऑथर को कि मैम मेरे यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, मैं कूड़ा ही बीनता हूँ। सो ऑथर ने तो मजाक मजाक में ये कह दिया लाइटर नोट पे कि मैं तेरे लिए एक स्कूल स्टार्ट कर दूंगी तेरे एरिया में। और भाई साहेब बहुत खुश हो गया कि अब तो हमारे यहाँ पर स्कूल खुलने वाला है, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन ऑथर का कोई वो सीरियस इंटेंशन नहीं था बोलने का कि वो सच में स्कूल खोल देगी। उसको बहुत एम्बेरेस फील होने लगता है, यार मैंने प्रॉमिस तो कर दिया झूठा। अब वो बच्चा बेचारा होप में बैठा है कि मैं स्कूल खोलूंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ होना नहीं था। अब होता क्या है, साहिब ए आलम, इसका जो पूरा नाम है साहिब का वो था साहिब ए आलम। ठीक है, अब साहिब ए आलम वर्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जबकि ये तो बिल्कुल आयरनी सा लग रहा है, मतलब ये एकदम उल्टा है। ये बेचारा गरीब है, भिखारी की जिंदगी जी रहा है, या कूड़ा बीनता है, ये सब काम करता है। सो ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहां से हो गया? सो इसका नाम ऐसा है, ऑथर देखकर सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये कहां से लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। और यही देखा जाता है कि मतलब ये जो कुछ रैग पिकर्स होते हैं ना, ये नंगे पांव घूमते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेजेस लड़के हैं। इसके साथ और भी बहुत लोग हैं जो नंगे पांव घूमते रहते हैं सुबह सुबह ठंड में। और रैग पिकर्स के बारे में यहाँ पे और भी बताया गया है। जब ऑथर्स देख मतलब जो ऑथर अनीस जंग है वो देखती है कि साहिब के साथ उसके कुछ कंपेनियंस, कुछ दोस्त भी हैं जो बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं, पैरों में कुछ नहीं पहनते, उसी की एज के हैं, और वो भी कूड़ा बीन रहे हैं बचपन से। सो यहाँ पे एक जो नंगे पाँव लड़का होता है वो ये कहता है कि उसकी मम्मी जो है वो उसको चप्पल नहीं दे रही है, ठीक है, इसलिए वो नंगे पाँव है। जबकि एक कहता है कि वन ऑफ देम वॉज वियरिंग शूज, एक लड़के ने एक जूता पहना हुआ था लेकिन दोनों जूतों का कलर अलग था, दोनों जूतों का सेट अलग था, यानी कि अलग अलग जूते थे दोनों पैरों में। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी दिख रही है हमें कि उनके पास जूते भी सेम पेयर के नहीं है। और एक लड़का और है, उसने तो आज तक जूते ही नहीं पहने थे और उसकी इच्छा है कि काश मेरे पास भी एक जूतों का जोड़ा हो। समझ आ रहा है आपको? सो ये है। अब यहाँ पे ये सारे रैग पिकर्स रहते कहां पर है? दे लिव इन सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी दिल्ली के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स या कह सकते हो बॉर्डर एरिया का एक इलाका है सीमापुरी। और यहाँ पे क्या है, ये बांग्लादेश से जितने भी इमिग्रेंट्स आए थे 1971 में वो रहते हैं यहाँ पे। तो ये साहिब आलम, इसके दोस्त, इसके परिवार वाले, ये सारे के सारे लोग बांग्लादेश से आए थे यहाँ पे और ये इमिग्रेंट्स हैं। ये मुसीबत के समय आए थे, 1971 में वॉर हुई थी ना इंडिया पाकिस्तान की, उस टाइम पे ये लोग आए थे वहां से और ये दिल्ली के बॉर्डर पर रहने लग रहे हैं। और वो जहां पर रहते हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियां मिट्टी की बनी हुई है और उसकी छत जो है उस पे तारपोलिन है, यानी कि नीला नीला सा एक वो मतलब तारपोलिन सा है। और कच्ची छतें हैं इनकी, कहने का मतलब है, ठीक है, टीन टप्पर वाली इनकी छत है। और कोई सीवेज ड्रेनेज कोई सिस्टम अच्छा नहीं है,
गली में कीचड़ रहता है, गंदा पानी गली में बिखरा हुआ है, प्रॉपर एक जो स्लम एरिया होता है ना, वो है इनका, सीमापुरी का जो एरिया है कुछ ऐसा दिखता है। अब होता क्या है, ये जो रैग बिकर लोग हैं, इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह नहीं है, इनके लिए खाना बहुत जरूरी है, इनको खाना लेने की मतलब खाना लेने के लिए एक छोटी सी आइडेंटिटी दे रखी है कि हाँ भाई वो दिखाकर आपको खाना मिल जाएगा, और ये उतने में ही खुश रहते हैं कि इनके लिए खाना जरूरी है, और वो ऐसे एरिया में रहने को भी तैयार हैं जहां पर बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, और वो भूखे नहीं सोना चाहते बस, ठीक है, वो उनको खाना मिल रहा है उतने में वो खुश हैं। मीन्स फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, ठीक है, आइडेंटिटी से भी ज्यादा। और वहां के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो यही देखते हैं अपने आसपास, ये जो मेरे माता पिता ने किया है, मेरे रिलेटिव्स ने किया है कूड़े बीनने का काम, मैं भी वही काम करूंगा। सो यही वहां की एक वो बन चुकी है, ठीक है। और वहां पे ज्यादातर लोग, आज भी आप जाओगे ना, ये रियल स्टोरी है, आप भी जाओगे तो सीमापुरी में ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं। और ये जो रैग पिकर्स होते हैं ना, कूड़ा बीनने वाले, ये जो गार्बेज का ढेर होता है, ये उनके लिए सोना है सोना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें उन्हें ऐसी मिल जाती हैं जो उन्होंने आज तक कभी देखी नहीं होती, और वो चीजों को फिर वो यूज करते हैं। कभी कभी इनमें ढूंढते ढूंढते उनको कॉइन मिल जाता है, कभी कोई नोट मिल जाता है, कभी कोई प्रीशियस आइटम मिल जाती है जिसको वो फिर यूज करते हैं, तो उनको लगता है कि गार्बेज हमारे लिए सोना है। अब अगला टॉपिक है टेनिस गेम। अब जो साहिबे आलम है ना, इसको टेनिस का गेम बहुत पसंद था, और वो टेनिस क्लब जो होता था उसके बाहर खड़े होकर मैच देखता रहता था कि कैसे लोग टेनिस खेलते हैं। और एक दिन क्या होता है, दो यंग मैन थे जो टेनिस खेल रहे थे, और वो ऑथर को बताता है कि कभी कभी वो जो गार्ड है ना क्लब के बाहर खड़ा होता है, वो उसको अंदर जाने देता है, तो कभी कभी मैं इंजॉय कर लेता हूँ, तो मेरा बहुत मन करता है टेनिस खेलने का, और वो चाहता है कि मैं टेनिस बहुत अच्छे से खेलूं। और उसको क्या होता है कि एक बारी एक जूते भी मिल जाते हैं जो रिजेक्ट किए हुए थे, किसी खिलाड़ी ने पहनकर उसको रिजेक्ट करके दे दिए थे, फेंक देते हैं ना भाई बड़े लोग, तो उसने फेंके हुए जूते भी पहने, और उसको पहन के वो इतना खुश हुआ कि मतलब उसके लिए तो सपना सच हो गया, ठीक है, जो हमेशा नंगे पांव रहता था उसके लिए तो फेंके हुए जूते भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। सो ऑफकोर्स प्लेइंग टेनिस तो उसके रीच के बाहर था, लेकिन वो जूते तो वो एटलीस्ट पहन सकता था, और वो जूते पहन के ही उसको बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे लास्ट इस स्टोरी का एंडिंग ये होता है समरी में कि भाई वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहता, मींस अभी तक ये किसी के अंडर तो काम नहीं कर रहा था ना, मैंने जितना भी आपको इसके बारे में बताया ये खुद का काम करता है, खुद ही क्रैक पिकिंग करता है, खुद कूड़ा बीनता है, खुद उसको बेच के आता है, किसी के अंडर में नहीं है। लेकिन साहेब आलम एक बारी क्या करता है, एक टी स्टॉल पर काम करने लगता है जहां उसको महीने के 800 रुपए मिलते थे, और यहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था काम करके, क्योंकि यहाँ पे उसको किसी और के लिए अंडर रहकर काम करना पड़ रहा था, वो खुद से अपनी मनमर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता था, उसको एक टी स्टॉल के अंदर ही रहना होता था, जो उसका मालिक कहता था वही उसको सुनना होता था। और अब जो वो कूड़े का बैग लेकर घूमता था ना, बीनता रहता था जो कूड़ा, वो इतना भारी होता था, लेकिन अब इसको ये कनिस्तर भारी लग रहा है, ठीक है, ये जो चाय की केतली है ये उसको उठाने में भारी लग रही है, क्योंकि वो कहता है कि एटलीस्ट वो बैग मेरा भारी तो था लेकिन मैं अपने मनमर्जी से कहीं भी जा सकता था, लेकिन ये चाय की केतली जब से हाथ में पकड़ी है, जब से जॉब कर रहा हूं, मैं तो यार कहीं जा ही नहीं पाता हूं, मेरी तो फ्रीडम ही चली गई है। सो यहाँ पे वो कहता है कि वो बैग मेरा ज्यादा हल्का था, मुझे वो बैग लौटा दो। सो साहेब अब वापिस से बनना चाहता था अपना खुद का मास्टर, मीन्स खुद का काम ही करना चाहता था। सो ये सारी बातें हैं और ये समरी खत्म होती है। आई होप ये बहुत अच्छे से स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, अगर आई है तो आप फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय